हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमास क्रिएटिव कॉर्नर। मैं हूं उमा और आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट आंवला पिकल की इजी रेसिपी लेकर आई हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना यह आंवले का अचार, चटपटा और स्वादिष्ट, जिसके सेवन से आपका भोजन और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप आंवला की अचार बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ हमने 500 ग्राम आंवला लिया है, जिसे हमें उबाल लेना है। उबालने के लिए इसमें 1.5 गिलास पानी लेना है और साथ ही साथ 1.5 चम्मच नमक लेना है। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन निकाल करके फिर से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और 5 मिनट इसे ढककर उबाल लेना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से उबल गया है। स्ट्रेन करने के बाद आंवले को इस तरीके से हमें पीसेस में कट कर लेना है। इस तरीके से आंवला को कट करने से आंवला बहुत ही इजी तरीके से कट जाता है। आप देख सकते हैं हमने सारे आंवले को कट कर लिया है और इसके बीज को भी अलग कर लिया है। अब हम आंवले के पीसेस को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो चला जाए। इससे हम अचार को ज़्यादा दिन तक रख सकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवले के पीसेस फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब पिकल बनाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। यहाँ हमने 2.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। 3 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। 1/2 कटोरी पीली सरसों की दाल लिया है हमने और 2 चम्मच कलौंजी लिया है। 100 ml या 1 कटोरी हमने सरसों का तेल लिया है और साथ ही साथ हमने 1/2 छोटा चम्मच हींग लिया है। तो चलिए अब हम अचार का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में सरसों की पीली दाल को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रोस्ट हो गया है। इसे हम अब कटोरी में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम कलौंजी को भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। कलौंजी रोस्ट होने के बाद इसे भी हमें कटोरी में निकाल लेना है। फिर हम कढ़ाई में सरसों के तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम तेल में हींग डाल देंगे। फिर हम लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी मिर्च का पाउडर भी तेल में डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें सरसों का दाल और कलौंजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने गैस के फ्लेम को ऑफ ही रखा है, इससे मसाला बिल्कुल भी नहीं जलता है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मसाले में हम आंवले के पीसेस को डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स्ड हो गया है, दिख रहा है नहीं, है बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स इस अचार की सामग्री की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अचार के ठंडा होने के बाद आप इसे कांच के जार में स्टोर करके लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।